हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक और मैं आपको इस वीडियो में टोटल 10 वर्ड मीनिंग याद कराऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ। बस आपको सिर्फ देखना है वीडियो, और बाद में वीडियो के अंत में आपको यही लगेगा कि मुझे 10 के 10 वर्ड याद हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है परस्पर विरोधी होना, किसी का परस्पर विरोधी होना। पैराडॉक्स पैराडॉक्स को रिलेट कर लो, ट्रिक है ये जो बताने जा रहा हूँ मैं। पैराडॉक्स को रिलेट कर लो, पूरे डॉग। पैराडॉक्स पूरे डॉग जो होते हैं वो एक दूसरे के पैराडॉक्स होते हैं, मतलब कि पूरे डॉग जो होते हैं एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। पहला कंप्लीट हुआ। एंड सेकेंड इज कार्प। कार्प कार्प मीन्स होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। या कार्प, अब इसकी ट्रिक जो है तो कार्प से रिलेट करो कार पर। कार्प से रिलेट करो कार पर। तो कार पर कोई आदमी बैठा है और वह कार पर बैठकर दूसरों की कार्प कर रहा है। कार पर बैठकर वह दूसरों की कार्प कर रहा है, तो ये भी याद हो गया आपको। और तीसरा है अपरोर। अपरोर का ट्रिक बहुत ही अच्छा है। अप्रोर मीन्स होता है हंगामा, या कहीं पे जो शोरगुल मचा रहता है उसे कहते हैं अप्रोर। तो अप्रोर को याद कर लो, अप्रोर की ट्रिक है। अप्रोर को रिलेट करो, अप्रोर आप रो, अप्रोर आप रो। तो आप रो मीन्स देखो, मान के चल सकते हो कोई सेलिब्रिटी है वो रो रहा है, तो आप रो रहे हैं, इसीलिए तो चारों तरफ अपरोर मचा रखा है, लोगों ने चारों तरफ हंगामा मचा रखा है। अब आइए चौथे पे, तो सीमी। सीमी मीन्स होता है अनैतिक, कोई अनैतिक कार्य है सीमी। एंड मान के चल सकते हो इसकी ट्रिक है सीमी। तो सीमी रिलेट करो सी में। सी मीन्स सागर में, तो सागर में मतलब सी में कूड़ा कचड़ा फेंकना सीमी कार्य है, मीन्स अनैतिक कार्य है। और उसके बाद टावरिंग। टावरिंग मीन्स टावरिंग को आप रिलेट कर सकते हो टावर से। टावरिंग मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो आप रिलेट कर सकते हो उसे टावर से। टावर से टावरिंग, टावर जो होता है बहुत विशाल होता है, गांव में आपने देखा होगा टावर बहुत ही टावरिंग होता है। और आगे है टाइरेड। टाइरेड टाइरेट मीन्स होता है कड़ी निंदा करना, किसी व्यक्ति की कड़ी निंदा करना। तो आप मान के चल सकते हैं कि किसी ऑफिस में अलाउ था ब्लैक कोट और व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर जो मान के चलते हो कोट के नीचे जो पहना जाता है उसे कहते हैं हम। तो उसमें कोई लाल कलर की टाई रेड, टाई रेड, तो वही लाल कलर की टाई पहन के चला आया। तो जब वो टाई का पहन के चला आया तो उसके बॉस ने उसकी बहुत ही टाई रेड की, क्योंकि उसने टाई रेड पहन के चला आया था वो, इसलिए उसके बॉस ने उसकी टाई रेड की। एंड डेंटी। डेंटी डेंटी मीन डेंटी मीन्स होता है आकर्षक, लुभावना, कोई चीज जो एल्योर होता है उसे डेंटी कहते हैं। तो डेंटी को याद कर सकते हो, डेंटी दिन में आंटी, डेंटी दिन में आंटी, तो दिन में आंटी बहुत ही डेंटी लगती हैं। इसके बाद जो वर्ड है उसका, इसका ही सिनोनियम है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसी का सिनोनियम है, तो आप याद कर सकते हैं। ल्यूक्रेटिव मीन्स भी होता है आकर्षक। और उसके बाद है 9th नंबर का वर्ड जो है मंडासियस। मंडासियस मीन्स होता है नकली, जो दिखावटी पना होता है उसे कहते हैं मंडासियस। तो मंडासियस को आप याद कर सकते हैं मंडेदासी। मंडेसियस मंडेसियस, तो मैन को बना लो मंडे, डेसी को बना लो डासी। तो मंडे को जो दासी मिली थी आपको वो पूरी तरह से मंडेसियस है, मतलब वो की नकली है वो। 10th नंबर का वर्ड जो है आखिरी वर्ड है, आप याद कर सकते हो उसे, हैरंग्यू। हैरंग्यू, तो हैरंग्यू। और ये ट्रिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसे 2-3 बार रिवर्स करके देखना, आपको आप देखना इसे रिवर्स करके, और उसके बाद अपने दिमाग में इमेज बनाने की कोशिश करना, आपको आराम से याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। हैरंगी को याद कर लीजिए अब, हरे रंग की। हैरंगी माने होता है उग्र भाषण देना। अब हैरंगी को याद कर लो, हरे रंग की साड़ी पहनकर कोई
कोई जो लड़की है उसने हरंगी दिया, हरे रंग की साड़ी पहनकर कोई लड़की है उसने हरंगी दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं यही कहूँगा कि आप इसको, मुझे तो लगता है वो पूरा का पूरा याद हो चुका हुआ 10 वर्ड लगभग, बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है। एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा 2-3 बार देखना इस वीडियो को, पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा। और मैं ये गारंटीड कहता हूँ कि ये जो 10 की 10 मीनिंग मैंने आपको याद कराई हैं वो हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिकल किया जब मैं याद कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि यार आएगी ना आए, लेकिन मिलता है पेपर में मिलता है। मैंने तो लगभग बहुत मीनिंग याद कर डाली है ऐसे ही, तो ट्रिक से बहुत ही आसान हो जाता है। तो धन्यवाद, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे।